श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर कर्जा बहुत बढ़ गया आपके ऊपर तो ये उपाय बहुत जरूरी है आपके लिए। ये उपाय भी हम आपको पूज गुरु जी की कथा से सुनकर ही आपको बता रहे हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये उपाय आपको किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन करना है। दिन आप ध्यान रखिए, सोमवार या प्रदोष के दिन आपको करना है। इस उपाय में आपको बेलपत्री, एक साफ़ सुथरी सी बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री की जो साइड की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें आपको लाल चंदन का लेप करना है। जो दोनों साइड की पत्तियाँ होती हैं उनमें आपको लाल चंदन का लेप करना है। चंदन आप चाहे जैसा ले लें, चाहे लकड़ी वाला ले लें, चाहे पाउडर वाला ले लें, साइड के दोनों पत्तियों पर लाल चंदन का लेप कीजिए और जो बीज की पत्ती होती है बड़ी उसमें आप गाय के देसी घी का लेप करें। इस तरीके से तीनों पत्तियां आप कवर कर लीजिए, दो पत्तियां लाल चंदन से और बीज की पत्ती देसी घी से। अब आप सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन किसी भी दिन इन दोनों दिनों में से आप मंदिर जाइए शिव जी के और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर देसी घी की पत्ती आप रखें। जब आप देसी घी की पत्ती माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे तो जो साइड में आपने जो लाल चंदन का लेप किया है साइड की पत्तियों पर, वो आपके गणेश जी के स्थान पर और कार्तिकेय जी के स्थान पर आ जाएंगे और थोड़ी देर आप वहाँ रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। इस उपाय में आपको इतना ही करना है। बस ये ध्यान रखिए, ये उपाय आपको सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन करना है और कम से कम 5 सोमवार या 5 प्रदोष आप ये उपाय जरूर कीजिए और फिर आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा। कोई भी उपाय आप करने से पहले मन में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें।